चांद पर चंद्रयान यकीन जानिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया भर में किसी भी टीवी चैनल या न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए उसमें उसकी चर्चा हो रही है। आज प्रधानमंत्री जो विदेश में थे, जहां पर लगातार उन्होंने इस बारे में बात की, विदेश से वो जुड़े भी जब चंद्रयान लैंड किया मून पर, उसके बाद वो जैसे ही हिंदुस्तान लौटे सीधा बेंगलुरु गए, इसरो गए और जो वैज्ञानिक थे उनको सलाम किया। हमारे साथ हैं इसी विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV पर। आज प्रधानमंत्री गए बेंगलुरु, आपको कितना ज़रूरी महसूस होता है या लगता है कि इस वक्त में वैज्ञानिकों की जो मेहनत है और उनका उनका जो लगन है उसको पूरी तरीके से एक्नॉलेज करना, उनके योगदान को बढ़ावा देना? नहीं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि हमें आभार प्रकट करना और सारा इसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी। और ये मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि शायद जिस प्रकार की उपलब्धियाँ अब देखने को मिल रही हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण में, विशेषकर अंतरिक्ष क्षेत्र में, ये ना संभव होती अगर मोदी जी जैसे हमारे नेतृत्व नहीं होते, बिकॉज ही हैज़ द कैपेसिटी टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट। लगभग 4 बरस पहले तक श्रीहरिकोटा के फाटक के अंदर से किसी ने झांका तक नहीं था। आज वहाँ लॉन्चिंग होती है तो 1000 मीडिया के मित्र होते हैं, इंडस्ट्री है, प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन खोल दिया गया। और मोदी जी ने एक तरफ तो मनोबल बढ़ाने का काम किया, जैसे आपने कहा कि कितना बड़ा ये इसका सांकेतिक महत्व है कि आते ही वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि मेरा मन सदा से यहाँ था। और जब चंद्रयान 2 उस प्रकार अपेक्षा के अनुसार अपनी पूरी गतिविधि पूरी ना कर पाए तो तब भी वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसके अतिरिक्त उन्होंने वो मिली वो वातावरण भी दिया जिसका अभाव था। प्रतिभा की कभी कमी ना थी हमारे वैज्ञानिकों में। मैं तो समझता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक विश्व स्तर के हैं, विश्व से भी दूसरे देशों की तुलना में शायद उससे भी अधिक उनमें प्रतिभा है, योग्यता है, मेहनत करने का मादा है, आंखों में ख्वाब है। आपने देखे होंगे वो चित्र पुराने ज़माने के, सारा भाई के पास और कोई साधन नहीं थे तो बाईसाइकिल पर भी अपना लॉन्चर ले जाते थे। लेकिन नीति निर्धारित कर्ताओं के स्तर पर, राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर जिस प्रकार का एक अनुकूलता उनको उपलब्ध होनी चाहिए थी, शायद वो पर्याप्त नहीं थी। वो मोदी जी ने आके उनको दी, उनको साधन भी दिए, उनको प्रोत्साहन भी दिया, उनके लिए रिसोर्सेज के नए द्वार भी खोल दिए। आज हम 1 बिलियन इकॉनमी है, कंजर्वेटिव प्रोजेक्शन कहती है कि हम 8-10 बिलियन पहुंचेंगे 2040 तक, लेकिन जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें हैं जैसे ALDA अर्दर लिटिल रिपोर्ट है या अतियादि रिपोर्ट, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है हम 100 बिलियन तक पहुंच जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं किस तेज रफ्तार से पिछले 4-5 वर्षों में हमारा अंतरिक्ष का क्षेत्र तरक्की कर रहा है। और ये इसलिए, और रूस के साथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान, वो भी मोदी जी ने लाया ताकि फंडिंग का अभाव ना रहे, क्योंकि पूरी तरह सीमित सरकारी फंड पे निर्भर करने से हमारी उस प्रकार का विकास नहीं हो सकता था जिस तरह के भौगोलिक स्तर पर हमारी पहचान बने। जी, चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर लैंड कर गया, प्रज्ञान रोवर निकल गया, वो एक दूसरे की तस्वीर भी खींच रहे हैं, तस्वीर सामने आ गई है और बहुत अच्छा लगता है उन तस्वीरों को देख करके, वो वीडियोज़ जो आ रहे हैं। लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से इस मिशन में एक तो वो तस्वीरें हैं, इसके अलावा हम उससे हासिल क्या करना चाहते हैं, और इसमें जो विश्व टकटकी लगा करके देख रहा है, जो रुचि दिखा रहा है, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहली बात यह है कि चंद्रयान ने सारे विश्व के लिए आंखें खोलने का काम किया, एक आई ओपनर, क्योंकि भले ही अमेरिका ने पहले मानव को उतारा था चांद की धरती पर 1969 में नील आर्मस्ट्रांग के रूप में, लेकिन चांद की धरती पर जल के होने के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रमाण लाकर आने वाला हमारा चंद्रयान था, जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स की एविडेंस लाया। और चंद्रयान 3 एक तो उस प्रयोग को आगे बढ़ाएगा कि साउथ पोल की तरफ है, ये भी एक पहल है, आज तक वहाँ उस तरह से किसी ने लैंड नहीं किया, वहाँ कुछ क्रेटर्स की संभावना है, जल को लेकर के और अधिक विस्तृत प्रयोग करने का भी वहाँ गुंजाइश रहेगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन की संभावना की असेसमेंट, फिर भिन्न भिन्न स्तर पर अलग अलग वहाँ पर यंत्र लगा दिए गए हैं जो अपना अपना प्रयोग करेंगे, उदाहरण के तौर पर वायुमंडल का, एनवायरनमेंट का, प्लाज्मा आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन, जो प्लाज्मा आयनिक एटमॉस्फेयर होता है उसकी स्टडी होगी, सिस्मोसिसिटी जैसे
धरती का हिलना या मून को एक, मून को एक, उसकी उसकी अलग से, फिर उसके अतिरिक्त एक नासा का भी उपकरण है जी, नासा का एक स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसी तरह से एलिमेंटल सॉयल एलिमेंट्स, क्या क्या वहाँ पर मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम उसका क्या कॉम्पोजिशन है, उसका भी पेट्रोलियम का क्या सोर्स है। तो भिन्न भिन्न स्तरों पे जहाँ मानव जीवन का कहीं ना कहीं संबंध है उसकी खोज भी करके लाने वाला है चंद्रयान 3। और लैंडर उधर से घूम रहा है, तो सामूहिक तौर पर जो इनपुट्स आएंगे उसके जो जो क्यूमुलेटिव निष्कर्ष निकलेंगे उसका इंतजार सिर्फ भारत को नहीं सारी दुनिया को, क्योंकि दुनिया के लिए भी सब कुछ नया है। एक चीज़ आज जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर थे बेंगलुरु में तो उन्होंने जिक्र किया, और ऐसा लगता है एक प्रयास किया जा रहा है जो कि पहले से ही था और वो दिख रहा था, कितने लाखों लाख लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे थे और एक लोगों की एक रुचि थी ये जो हो रहा था उसको देखने में। चीज़ों के नाम दे दिए गए हैं कि जहाँ पर वो लैंड किया उसको क्या कहा जाए या जहाँ वो जा रहा है उसको क्या कहा जाए, इसके बारे में आप थोड़ा उल्लेख। मुझे लगता है कि जितना इसके पीछे की वजह क्या रही होगी, जितने भारत के पद चिन्हों के निशान आज चांद की धरती पर किसी और देश के नहीं। वहाँ शिव शक्ति पॉइंट भी है, वहाँ पर हमारा नेशनल स्पेस डे की भी घोषणा कर दी गई है 23 अगस्त को, और इसी प्रकार हमारा चंद्रयान 2 का उसका अलग से पॉइंट है। तो कहने का तात्पर्य ये कि भले ही हमारी यात्रा बड़ी देर से प्रारंभ हुई थी, जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी जैसे मोदी जी ने उस दिन कहा जब लैंडिंग हुई है कि हम तो चंदा मामा दूर के गीत गाते थे, तो उस समय अमेरिका और तत्कालीन सोवियत यूनियन चांद पर धरती पर अपना मानव उतारने की तैयारी कर रहे, लेकिन इतनी तेज़ रफ्तार से, तभी मैंने कहा प्रतिभा की कमी नहीं थी, वो शायद अनुकूलता उस तरह की नहीं थी जो मोदी जी ने लाई। और उसका एक और बड़ा परिणाम है, उसका एक और इम्प्लीकेशन हुआ है, साइड इम्प्लीकेशन, वो ये कि सारा समाज सारा राष्ट्र इसको अपना रहा है। जब लॉन्चिंग होती है तो स्कूल कॉलेज के बच्चे भी वहाँ पहुँच गए 14 अगस्त को, राजनीति से जुड़े हुए लोग, मैंने देखा कि पंजाब से लेकर के केरल तक विधायक मंत्री भी वहाँ देखने को पहुँचे, महिलाएँ पुरुष पहुँची, मीडिया, मुझे एक मीडिया के मित्र ने वहाँ पूछा कि किसी विपक्ष वाले ने आलोचना की है कि आप कह रहे हैं कि जी मोदी जी ने इतना बदलाव लाया लेकिन ये तो पहले से अभी कोई फर्क नहीं है, तो मैंने कहा आप यहाँ पहले आए थे, बोले नहीं, मैंने कहा यही फर्क है। तो उससे क्या हो गया कि बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सारे देश को लगता है चाहे वो कोई भी वर्ग हो ये मेरा मिशन है। और वो जो उत्सुकता और जिस प्रकार से वो लैंडिंग के समय दृश्य आपने देखा वो इसी कारण था कि एक एकजुट में इस स्पेस की मिशन ने सारे देश को बांध दिया। व्योम मित्र व्योम यान, इसके पीछे की कल्पना, इसके पीछे की सोच, दरअसल वो गगनयान को लेकर के है, क्योंकि गगनयान में हमारे में विलंब हुआ है। कल्पना तो ये थी कि आज़ादी के 75 साल के साथ ही मिलते जुलते समय पर उस मिशन को हम अकम्प्लिश करते, लेकिन फिर पैंडेमिक हो गया और जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे कुछ पोटेंशियल एस्ट्रोनॉट्स उस समय ग्रेगरी सेंटर मॉस्को में थे, उनको भी वापस आना पड़ा। तो अब कुल मिला के स्थिति यह है कि हमें पहले उससे 2 मिशन ट्रायल के करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एक मानव को ऊपर भेजना ज़रूरी है और एक महत्वपूर्ण उतना ही ज़रूरी नीचे लाना, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि अदरवाइज उसका कुछ और ही प्रभाव रहता है। तो उसके लिए एक ट्रायल मिशन पहले तो था विचार कि शायद सितंबर मास में उसका शेड्यूल हो जाएगा, लेकिन अब शायद ना हो पाए तो अक्टूबर तक पहले 2 हफ्ते में वो कुछ घंटे के लिए जा करके उसी तरह से इटर्नरी फॉलो करके वापस लौटेगा। फिर वो वापस कहाँ लौटेगा, पानी में कैसे उसके भी स्थान निर्धारित, फिर जो दूसरा होगा वो वायुमित्र होगा जैसे आप कहें, वो एक मानवीय होगा मगर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा लेकिन पूरा मानव का काम करेगा, रोबो होगी, एक फीमेल रोबो जिसका नाम वायुमित्र रहेगा, वो जहाँ कर वहीं पर वहाँ सारी एक्टिविटी करेंगी जो हमारी फाइनल मिशन में होनी है, और वो सारी एक्टिविटी जब मुकम्मल हो जाएगी वो उसी तरह से लौटेंगी भी, फिर उनको रिसीव करने के भी उसी तरह प्रक्रिया होगी, पूरा प्रोटोकॉल बिल्कुल 100% और जब सब कुछ सफलतापूर्वक सुरक्षित ढंग से मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हमें ये कॉन्फिडेंस होगा, तो फिर हम एक जीते जागते मानव को एक या दो को ऊपर भेजेंगे। हम कितने दूर हैं अपने गगनयान मिशन से, मैंड मिशन? मुझे लगता है कि जो फाइनल मिशन है 2024 में हो जाना चाहिए, अगर पहले हाफ में तो दूसरे हाफ में। आपको लगता है कि एक ये जो उत्सुकता जागरूकता लोगों में जगी है स्पेस साइंस को लेकर के, इसको टैप करना बहुत जरूरी है बतौर देश, तो
आपको लगता है कि इसके बारे में जो स्टूडेंट लेवल पर या फिर कॉलेज लेवल पर उस पर और स्ट्रेस दिया जा सकता है कि और लोग जो हैं इसको कंसिडर करें, क्योंकि जितने भी इसरो के साइंटिस्ट हैं उनकी जो आप अगर आप कहानी सुने तो वो संघर्ष से भरी हुई कहानी है जिसमें उन्होंने आज जो हासिल किया है वो किया है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, उसकी आवश्यकता भी, वो किया भी जा रहा है। एक हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया था कुछ साल पहले कि आपने देखा होगा अधिकतर स्पेस के सेंटर दक्षिण भारत में रहा करते थे, तो मेरे मन में विचार आया कि हम क्यों ना देश के दूसरे भागों में भी शुरू करें। तो हमने प्रारंभ किया एक उत्तर से एक पूर्वोत्तर से। तो पूर्वोत्तर में अगरतला में इसरो का हमने एक टीचिंग एकेडमिक डिपार्टमेंट खोला है, जो जिस तरह से त्रिवेंद्रम का इंस्टीट्यूट है उसी की तरह पर वहाँ कोर्स दिया जाता है, उसकी सिलेक्शन भी उसी तरह होती है जैसे IIT JEE की होती है। तो NIT अगरतला के परिसर में हो, और उत्तर से हमने प्रारंभ किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से, वो भी इसरो का, तो डायरेक्टली कंट्रोल बाय इसरो। इस प्रकार से हम टीचिंग सेंटर्स का और कुछ कुछ और जगह पर इसरो के नॉन टीचिंग स्टेशंस भी बन रहे हैं। साथ ही साथ ये जो अनलॉकिंग ऑफ स्पेस हुआ है, जो मोदी जी ने 4 साल पहले एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लेकर के पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से खोल दिया, उससे खुद ब खुद एक सिनर्जी जनरेट हुई है। अब आप देखिए इस समय आलम यह है कि हमारे पास 150 से अधिक स्टार्टअप हैं जो पिछले 2-3 साल में ही आए, और वो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक है। पहले अधिक दक्षिण में, क्योंकि स्पेस की जानकारी भी नहीं थी, उसके बारे में जिज्ञासा नहीं थी, पूरा तरह मालूमात भी नहीं था। अब वहाँ पर सारे देश में से विद्यार्थी आ रहे हैं, उनको जिज्ञासा भी, और वो एक करियर के अंदाज से भी एक इसमें एक नया एवेन्यू ढूंढ रहे हैं, स्पेस करियर, स्पेस इकोनॉमी। ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, पहले लगता था साहब स्पेस में इंजीनियरिंग कर ली तो कहाँ जाएंगे, मैकेनिकल कर लेंगे या सिविल इंजीनियरिंग कर लेंगे, नौकरी तो मिल जाएगी, असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन अब ये लगने लगा कि साहब इसके अलग भी, सरकारी नौकरी से अलग भी बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, और जो स्पेस भी एक एवेन्यू ऑफ, और ये जो हमारे 150 स्टार्टअप्स हैं इनमें से कुछ एक तो देखते ही देखते साल 2 साल के अंदर एंटरप्रेन्योर्स बन गए और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। आपको लगता है डॉक्टर सिंह कि भारत को भी इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि जिस तरीके से विदेश में आपको प्राइवेट स्पेस मिशंस भी दिखते हैं, उस तरीके की चीज़ यहाँ पर भी जब हम और परिपक्व हो जाएं तो हमको कंसिडर करनी चाहिए? मुझे लगता है धीरे धीरे हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर जा रहे हैं। देखिए, एक तो हम बात आप भी कबूल करेंगे कि आज से 4-5 साल पहले तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि कभी स्पेस प्राइवेट सेक्टर के लिए खुलेगा हमारा स्पेस विभाग, और इस कदर हम समझौता कर बैठे थे कि किसी ने मांग भी नहीं की कि साहब ये तो गोपनीयता के पर्दे में काम करना, और बाहर वाले अंदर नहीं थे झांकते, हम बाहर नहीं थे झांकते, किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा था। कभी कोई लॉन्चिंग होती थी, छोटे से अखबार के छोटे से कॉलम में कोई आ जाता श्रीहरिकोटा, किसी को ये भी नहीं था मालूम श्रीहरिकोटा कौन है। आजकल तो श्रीहरिकोटा को विजिट करने की भी उत्सुकता है देश भर में कि जाके देखें कैसा है। कहने का तात्पर्य ये कि ये जो बदलाव आया है धीरे धीरे, वो इसलिए भी आया कि प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी हद तक उसमें गुंजाइश मिली है, और जब हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान लागू होगा तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा उसमें उसकी भागीदारी है, और धीरे धीरे फिर ये इस तरह से होगा। क्योंकि मेरा स्वयं भी ये मानना है कि जिस तरह से हम भौगोलिक मापदंडों पूरा उतरने की दिशा में निकल चले हैं, तो प्राइवेट और पब्लिक की जो डिमार्केशन है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, साइलो समाप्त हो जाएंगे, और बाहर जितना अधिक सिनर्जी और इंटेग्रेशन होगा उतनी हमारी तीव्र गति से विकास भी होगा। मेरा आखिरी सवाल, चंद्रयान तो अभी चल रहा है लेकिन अभी एकदम निकट भविष्य में आगे क्या, जैसे कि एक सोलर मिशन भी है? जी हाँ, सोलर मिशन हमारा सितंबर के पहले सप्ताह में आदित्य नंबर 1 वो रहेगा, जो सूरज की भिन्न भिन्न पहलुओं की खोज करने का प्रयास करेगा। डॉक्टर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत बहुत बधाई, आप भी उसके हकदार हैं और सारे हिंदुस्तानी भी। थैंक यू।